भविष्य के लिए इस फेडरेशन का या पहले कन्फेडरेशन का हमने गठन किया था, आज भी कहीं ना कहीं ये टीस जरूर रहती है। एक एक बड़ा इतिहास लिखने का मनसा, जितने पुराने सारे साथी लोग बैठे हैं, कपिल जी बैठे हैं, भारती जी बैठे हैं, ब्रजभूषण जी बैठे हैं, जितने भी पुराने साथी बैठे हुए हैं, समय के हिसाब से चीजें धीरे धीरे किसी न किसी कारण से हमें मानना चाहिए कहीं ना कहीं फिसली है। जो समाज को हम दे सकते थे उतना हम दे नहीं पाए, कारण जो भी रहे हो। माइक ऊपर फोड़ो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे जितने भी संगठन है, मैं मानता हूं नॉन पॉलिटिकल संगठन है, और जो समस्याएं हैं, चाहे समाज की समस्याएं हैं, चाहे नौकरियों में रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याएं हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, या प्रदेशों में किसी भी पार्टी की स्टेट लेवल पर सरकार रही हो, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के तहत ही हम अपने समाज को और अपने सर्विस में जो भी साथी हैं उनको हम दे पाते हैं। जितने भी सारे संगठन हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी लोग डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर रही है, कुछ लोग हमारे हार्डकोर रहे, कुछ लोग कहते हैं यार आपने कांग्रेसी को बुला लिया, कुछ लोग ये कहते हैं यार आपने भारतीय जनता पार्टी वाले को बुला लिया, तरह तरह की चीजें आती हैं, लेकिन जो जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो लोग संगठन चला रहे हैं, उनको ये पता है कि मैं अपने समाज को या मैं अपने संगठन को कहां से फायदा पहुंचा सकता हूं। फायदा किसी पार्टी से थोड़े पहुंचाया जा सकता है, जो देश में अवेलेबल मैकेनिज्म है उसी के तहत आप अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे विभाग में इस तरह की चीजें आती रही हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज देखने को रही है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, और दिल्ली में जितने भी बाशिंदे हैं, जितने नौकरी करने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के उसमें सभी का हमेशा श्रद्धा से नाम लिया गया और हमेशा उनके दिल में उनके लिए जगह हमेशा रही है जो आज भी। तो हम अपने साथियों को हम यही समझाते रहे, जहां हो आप काम करो, जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी लाइनें मत खींचोगे। आपने तो बीजेपी वाले को बुला लिया, अब जब कमीशन में जो चेयरमैन है वो बीजेपी समर्थित है तो हम क्या कर सकते हैं, या कांग्रेस समर्थित है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म का पार्ट है, एक हिस्सा है, आप उसी से अपने साथियों का कोई ना कोई आप भला कर पाते हैं। छोटी मोटी गर्वेंसीज आती है, बहुत सी गर्वेंसीज है, आप देखते हैं सर्विस वालों की आजकल बहुत ही ज्यादा है, तो इस तरह की चीजें रही हैं। तो सभी इस अवसर पर हमारे फेडरेशन में पहले भी जब कन्फेडरेशन था, नाम पता नहीं मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उदित राज जी थे उस टाइम पे, उस टाइम तो रामराज थे, उसके बाद उदित राज थे, हमारा भी उनसे ये कहना था, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो आप उसको इसी दिशा में चलाइए पूरे देश को अगर फायदा पहुंचाना है, अगर केवल अपने लिए फायदा पहुंचाना है तो फिर आप कहीं भी जाइए, कहीं पर भी जुड़िए। और उन्होंने क्या किया, सब लोग जानते हैं, सारे संगठनों को समाज को छोड़ दिया और एक राजनीति की तरफ चल पड़े। राजनीति कोई बुरी नहीं है, समाज का भला वहां पर ज्यादा कर पाती है, लेकिन उसकी नींव कम से कम पक्की होनी चाहिए, उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी आप वहां पर कुछ जाकर के दे पाते हैं। और भी लोग हैं जो आधे अधूरे प्रयास करते रहे हैं, कोई मेरे को राजनीति में जाना है,
कई बार कहते रहे यार मेरे को क्या लेना है राजनीति से, मेरे को कोई एमएलए एमपी थोड़ा ही बनना है, मेरे को तो समाज का ही काम करना है। तो ये हाफ हार्टेडली चीजें समाज के बीच में नहीं आनी चाहिए। जिस भी साथी को, जिस भी मित्र को राजनीति में इंटरेस्ट हो, समाज के लिए कुछ करने का मादा हो, तो वो ये कहे अगर मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, ये परिसंघ उसको बिल्कुल इजाजत देगा। लेकिन परिसंघ को परिसंघ ही रहने दे, राजनीति में जाए, परिसंघ आपका तन मन धन से पूरा सहयोग करेगा और पूरा साथ देगा। ये बहुत जरूरी, मतलब हमारी सोच करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी समझता है अगर मैं कह कुछ रहा हूं और मैं कर कुछ और रहा हूं, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जो सीधा रास्ता है, मेरा ये मानना है, हर आदमी का अपना अपना मानना है, मेरा ये मानना है अपने आप को खुद पता होता है उचित क्या है और अनुचित क्या है, और जो सीधा रास्ता है वो ज्यादा दूर तक जाता है, बहुत ज्यादा लंबा जाता है। अभी बीच में कई कई तरह की चीजें, अभी जैसे कि फेडरेशन के जितने भी घटक दल हैं, छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, बड़ा परिवार है, जरूरी है, लेकिन उन मित्रों से मेरा ये जरूर कहना है, ये चिंतन करने का समय है। अगर किसी का हम भला ना करें तो ऐसा भी ना करें कि हम छोड़ करके बैठ जाएं। उचित तो ये हो कि हम इनहाउस डिस्कशन करें, ट्रांसपेरेंसी से डिस्कशन करें और जम के करें समाज के हित में, और हम ये चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई आदमी दो कदम आगे बढ़ाता है, उसे मुंह मोड़ करके दूसरी साइड में हम चलना शुरू कर देते हैं। जो उसने जितनी पावर गेन की वो उतनी उसकी पावर लॉस हो जाती है, नुकसान हो जाता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं भाई, राजनीति की जो उसकी जो चाबी है वो कैसे खुले, वो तो तभी खुलेगी जब अच्छे काबिल लोग जाएंगे। लेकिन ये बड़ा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि आज पार्टियों की बात हो रही है तो मैं सोचता हूं पार्टी की हमें बात करनी चाहिए। जो काबिल लोग हैं इस समाज में, जितने काबिल लोग हैं उनको तरजीह कहीं नहीं दी जाती है, ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है। जितने भी संवैधानिक संस्थान है, जो पोस्ट है, आप देखो कैसे लोगों को बैठा देते हैं, कैसे लोगों को सांसद बना देते हैं जिनको पता ही नहीं है, राष्ट्रपति बना देते। मेरा कहने का मतलब यह है, अब हमारा जो बार्गेन है वो हार्ड बार्गेन नहीं है। और वो क्यों नहीं है, हमें सिर्फ उसको ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन हमने उसको ढूंढ लिया तो हम अपने काबिल लोगों को उन पार्टियों में स्थापित करने में हम कामयाब हो जाएंगे, और जिस दिन कामयाब हो जाएंगे तो समाज का हित होना शुरू हो जाएगा, जो समस्या है उनका निदान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लोग काबिल नहीं है, जिनको पता ही नहीं है अब उनका अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं, समाज की आवाज वो कैसे उठा सकते हैं, कहां से क्या कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि उस तरह का ओरा नहीं है, उस तरह की समझ नहीं है। और इसी तरीके से बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मित्रों ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। लोग कहते नहीं है, अगर हम आपस में खुल के बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो आप उसके अच्छे रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। अगर महानुभाव जितने भी ये आएंगे अभी यहाँ पे, अगर उनके सामने अपने दिल की बात, अपनी समस्याएं और अपनी उन चीजों से अवगत नहीं कराएंगे, फील्ड में जो मेंबर है, जो बहन मायावती को चाहता है, जो बीएसपी को चाहता है, वो क्या सोचता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, अब मैं कैसे समर्थन दूं, मैं कैसे सपोर्ट दूं, वो तो तभी आएगा जब हम चिंतन करेंगे, जब हम इनको बताएंगे, इनको बताएंगे तो ये आगे बताएंगे, तो वो बात कम से कम वहां तक जाए। क्योंकि समय है आज की डेट में कम्युनिकेशन का।
अगर कम्युनिकेशन आपका कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, तो आप अपने आदमी को अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेगी, आपको आईटी का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो कैरियर मॉड्यूलेटर का काम करती है, जैसे फ्रीक्वेंसी कैरियर होती है, एक कमजोर सिग्नल को दूर तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा, और ऐसे लोग तभी पहुंचा पाएंगे जो उस छोर की जो आवाज है, जो वो सोच रहा है, उस आवाज को लेकर के उस ऑफिस तक, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, जो उसको चलाने वाले हैं, जब तक उसकी भावना वहां तक नहीं जाएगी, तो ये रास्ता आने का और जाने का, खाली जाने का ही नहीं होना चाहिए, आने का भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तब तक विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? जो विचारधारा लेकर के चल रहे हैं वो लोगों के सामने कैसे जाएगी? तो ये चीजें बहुत जरूरी है। कई बार मौका मिलता है तो हम साथियों से बार बार हमेशा यही कहते हैं, भाई जैसे हालात हैं, आप ये कहेंगे ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, जैसे हालात हैं उसमें हम बढ़िया क्या कर सकते हैं उसकी आवश्यकता है, और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो यूनिटी की आवश्यकता है, वो एकता की आवश्यकता है, जो कि हमारे अंदर आज से नहीं, संगठन तो बहुत टाइम से चलते आ रहे, हमें मानना चाहिए अब वो कमी हमेशा रही है, और उस कमी को हमें दूर करने के लिए और भरसक प्रयास करने चाहिए, अथक प्रयास करने चाहिए। आप दिल्ली का सिनेरियो आप देख लीजिए, जिनका कोई वोट बैंक नहीं था वो आज दिल्ली में सरकार चला रहे, जिनका वोट बैंक था, बढ़िया अवसर था, बढ़िया मौका था, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं दिशा में चूक हुई है, उससे पहले का जो इलेक्शन था उस समय अच्छा अवसर था बहुजन समाज पार्टी के लिए, अब वो दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित कर सकते थे, ऐसा मोमेंटम पहले हमने इतने सालों में जब से हम दिल्ली में आए हमने नहीं देखा, बहुत अच्छा मोमेंटम था, लग रहा था बीएसपी 15-16 सीट तो आएगी आएगी, और भी लोग आ रहे तो सरकार बनाने में, त्रिशंकु विधानसभा आएगी तो बीएसपी की यहां पे मौजूदगी स्थापित हो जाएगी, लेकिन मैं ये मानता हूं हमें मानना चाहिए हम वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारी पॉलिसीज गलत रही होगी, हमारी विचारधारा गलत रही होगी, या जिन लीडर्स को हमने बीच में डाला दिल्ली के बीच में, या कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रही होगी। तो मित्रों ये समय जो इस समय ये चल रहा है, समय का पता नहीं होता है, आप देख रहे हो डेली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो डेली राजनीति में परिवर्तन हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा बहुजन समाज पार्टी के लिए, दिल्ली प्रदेश के लिए भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। 2019 के बाद दिल्ली में ऐसे कायापलट होनी चाहिए, अब इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार स्थापित होने के लिए सबको लगे। ये बहुत जरूरी है, वो तभी पाएगा, ये अवसर है जो हमें नजर आ रहा है आगे। फेडरेशन की जो गतिविधि है वो तो चौधरी साहब ऐसे ही कुछ नहीं छोड़ते, बचता ही कुछ नहीं है, सबको अपडेट रखते हैं, YouTube पे भी अपडेट रखते हैं, यहाँ भी मीटिंगें वीटिंगें होती रहती है, तो मेरी तो सिर्फ सभी मित्रों से यही कहना है, अब जो लोग राजनीति में, जो फेडरेशन में काम कर रहे हैं या किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं या बड़े अहदे से रिटायर हुए हैं, मेरा ये कहना है जो लोग राजनीति में जाना चाहें उनके तन से मन से धन से सहयोग करने के लिए फेडरेशन को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और तत्पर के साथ साथ उचित मार्गदर्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा होता है, चाहे अपने आप को कितना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझता हो, लेकिन राजनीति का खेल ऐसा है, जब तक आपके पास थिंक टैंक नहीं है, रास्ता बताने वाले नहीं है, आदमी खुद अपना निर्णय तय नहीं कर पाता है, और आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारा बैठने का भी पर्पज यहाँ पे शायद यही होगा, कोई ना कोई रास्ता हमें इसके लिए हमें खोजना पड़ेगा।
रास्ता जब भी बोलेंगे जब बताओगे कुछ कौन है कहाँ जा रहा है। हाँ बताएंगे ना, अभी बता दूंगा तो बचेगा क्या। वो जिसके लिए आए वो बता देंगे। कौन कौन सी बात सर, मौका है आज आपके पास, जो आपके अंदर बड़ा सो वो निकाल। हमारे कोई बड़ा है नहीं सर, अपनी बात तो रखी सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा विचार था, सभी लोगों से ये मेरी गुजारिश है, फेडरेशन का अगर कोई भी लीडर कहीं राजनीति में जाना चाहे उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जो फेडरेशन है वो नॉन पॉलिटिकल है, जब तक हम काम कर रहे हैं वो नॉन पॉलिटिकल ही होना चाहिए, और जाने के बाद में पर किसी भी पार्टी में जिसकी जहां इच्छा वो आदमी जा सकता है, वो उसकी स्वेच्छा पे है। अब मैं चाहूंगा हमारे धुरंधर नेता डीसी कपिल जी, बहुत वो आए तो संक्षेप में दादा, संक्षेप में अपनी कोई कोई मार्गदर्शन हो, कोई ऐसी चीजें हो, हो सकता है हम ठीक नहीं कर रहे हो, हम उस रास्ते पे ना चल रहे हो। आप तो राजनीति के ज्यादा खिलाड़ी हो, आपने तो कई इलेक्शन लड़े, हम तो संगठन चला रहे हैं।